तो सबसे पहले आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और मुझे बताना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। चलिए ट्राई कीजिए, पहले मैं चाहूँगी आप लोग खुद से ट्राई करें, नहीं होगा आपसे तो मैं बताऊँगी। चलो ट्राई इट एवरीवन। हाँ जी, ऑफन क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड का मीनिंग क्या है, बुराई करना किसी की। ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर अ कंजर्वेटिव ड्रेसिंग सेंस। कंजर्वेटिव ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव ड्रेसिंग सेंस का मतलब होता है कि बहुत पुरानी तरीके का ड्रेसिंग सेंस। तो जनरली उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बुराई की जा रही थी। कंजर्वेटिव मीन्स ऑर्थोडॉक्स, मीन्स ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सेंस के लिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा याद रखना, ड्रेसिंग सेंस कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक ड्रेसिंग सेंस। आप सेंस को ड्रेसिंग नहीं करवा सकते, तो ड्रेसिंग सेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप क्या लिखते हो, ड्रेस, सिर्फ ड्रेस भी लिख सकते हो, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है उसके ड्रेस के लिए, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ड्रेस सेंस भी लिख सकते हो। ऐसे ही एक और बहुत आदत होती है बहुत सारे लोगों के बोलने की और लिखने की, पासिंग मार्क्स, ड्रेसिंग सेंस, ये दोनों के दोनों गलत है। मार्क्स कभी पास नहीं होते हैं, सेंस कभी ड्रेस नहीं करता है। बोथ ऑफ देम आर व्हाट, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। तो कभी भी ये मत पूछना मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद, मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स जैसा कुछ भी नहीं होता है, हम क्या बोलते हैं, पास मार्क्स। हम क्या बोलते हैं, ड्रेस सेंस, या सिर्फ ड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस गलत है। सही क्या होगा, उसकी बुराई की जाती थी उसकी बहुत पुरानी तरह की ड्रेस के लिए, जिसकी वजह से वो बूढ़ी लगती थी, जितनी है उससे ज़्यादा एज की लगती थी। शी ऑप्टेड फॉर अ, उसके बाद उसने क्या ऑप्ट किया, उसके बाद उसने क्या सिलेक्ट किया। जब आप किसी की बुराई करोगे किसी काम के लिए, जब आप किसी की बुराई करोगे किसी काम के लिए, तो इंसान क्या कोशिश करेगा, इंसान कोशिश करेगा कि वो कुछ अब ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसकी बुराई ना हो। इसीलिए उसने क्या सोचा, इसीलिए उसने उसके बाद एक ब्लैंड, ब्लैंड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से बहुत ही बोरिंग, एनसेम्बल मीन्स एक तरीके से ड्रेस। तो उसने क्या किया कि बहुत ही बोरिंग तरह की ड्रेस वेयर कर ली। सो किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया, ड्रेसिंग सेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। कोई दिक्कत, ड्रेसिंग सेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है, पासिंग मार्क्स जैसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ओल्डर के आगे टू आता है, ओल्डर के आगे टू आता है। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने ले लिया या कहाँ से पढ़ लिया कि ओल्डर के आगे, एल्डर के आगे टू आता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि ओल्डर के आगे टू आए। टू उन वर्ड्स के आगे आता है जो आई ओ आर में एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीनियर, फॉर एग्जाम्पल जूनियर, फॉर एग्जाम्पल ऑल्टीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर। एक वर्ड और होता है जिसमें आई ओ आर नहीं आता, फिर भी उसके आगे हम टू ही लगाते हैं, प्रिफर। इन सब का जो प्रपोजिशन होता है वो टी ओ टू होता है। ओल्डर और एल्डर के साथ आज भी देन ही यूज होता है, वी यूज टी एच ए एन देन ओनली। कोई दिक्कत, हाँ सेंस ऑफ ड्रेसिंग सही है। अच्छा अब मुझे एक बात और बताना, इस एनसेम्बल का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ब्लैंड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किस शब्द के बारे में बताता है, एडजेक्टिव आपको नाउन के बारे में बताता है। तो एनसेम्बल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एनसेम्बल इज वॉट, एनसेम्बल इज अ नाउन। कोई मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है, इसमें एक रूट वर्ड है सेम, एस ई एम। कोई मुझे इस सेम रूट वर्ड का मीनिंग बता सकता है, रिसेम्बल, एनसेम्बल, सिमिलर, क्या है इसमें रूट वर्ड है सेम या फिर सिम, एस ई एम सेम या फिर सिम, एस ई एम सिम। तो
इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दिखा, देखवा, दिखावा, या आप कैसे दिखते हो, उसका रूट वर्ड क्या है? सेम या फिर सिम या फिर दिखना किसी चीज़ का। तो एनसेम्बल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? एनसेम्बल का मीनिंग है जिस तरीके से उसने अपनी बॉडी को कवर किया है, जिस तरीके की ड्रेस उसने पहनी हुई है। राइट, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और ये रहा टाइमर सभी स्टूडेंट्स के पास। This can be your next meal. Get up to 60% off and free delivery. चलिए, the time is up. इस question को देखते हैं। इस question को करने से पहले आज का concept number 2 पढ़ लेते हैं। आज का concept number 2 क्या कहता है? अगर आपको कभी भी a large number of दिया गया हो, या आपको अ नंबर ऑफ ही अकेले क्यों ना दिया गया हो, तो इनके आगे नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ बहुत ज्यादा, इनके आगे नाउन भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, या अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो मैंने स्टूडेंट्स लिखा, प्लूरल नाउन लगाया, वर्ब भी प्लूरल लगाया, आर लगाया। लेकिन जब आपको अ की जगह द लग जाए, क्या लग जाए? द, द नंबर ऑफ, तो इसके आगे नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी, इज 50। तो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? कॉन्सेप्ट था कि अ लार्ज नंबर ऑफ के आगे नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, जबकि द नंबर ऑफ के आगे नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट बच्चे नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है उनकी संख्या, और संख्या क्या है? सिंगुलर है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। कोई दिक्कत? तो इट इज़ अ ट्रिब्यूट, ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक रिस्पेक्ट है, ये एक ऑनर है नेहरूवियन विजन को लेके, नेहरू जी की तरह का जो विजन था उसको लेके, दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिनको इंडिपेंडेंस एरा के बाद क्रिएट किया गया। इंस्टीट्यूशंस वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। Have withstood the test of time, उन्होंने समय को झेल लिया है, और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक भी पहुँच चुके हैं। So which part is incorrect, किस पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया। Has की जगह क्या आएगा? Has की जगह have आएगा। समझ आ रहा है सभी को? Everyone, yes or no my champions? तो क्योंकि यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ था, ध्यान से देखिए, तो इसीलिए नाउन भी प्लूरल आया और वर्ब भी प्लूरल आई। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इंस्टीट्यूशंस की। जब भी किसी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जब भी किसी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा टाइमर। रिजन मीन्स ऊपर चला गया है, इंक्रीज हो गया है।
हाँ जी, इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जब भी वन ऑफ द लिखा हुआ हो, ईच ऑफ द लिखा हुआ हो, तो वन ऑफ द, ईच ऑफ द मतलब बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से एक का मतलब क्या है, इसके आगे नाउन कैसा आएगा, इसके आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। आप कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं लगा सकते। वन ऑफ द के आगे, ईच ऑफ द के आगे हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन आता है। सो LIC जो है लगातार बड़ा है पिछले 6 सालों में, और आज इतने सारे पॉलिसी होल्डर्स हैं, इतनी उसकी एसेट वैल्यू है, वो रैंक करता है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस, वन ऑफ द, तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, मतलब क्या आएगा, कंपनीज आएगा, वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है दुनिया में। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोन कंपनीज। अच्छा ये समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे मिलियंस क्यों नहीं लिखा, क्या ये बात सभी को क्लियर है, नंबर यूनिट नाउन, जब भी नंबर यूनिट नाउन आता है तो यूनिट हमेशा क्या आती है, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए हमने यहाँ पे मिलियंस नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे मिलियन लिखा है, मिलियंस विल नॉट कम ओवर हियर। ये भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे बिलियंस क्यों नहीं लिखा, नंबर यूनिट, यूनिट से देख के समझ में आ रहा है किस बारे में बात कर रही है, नहीं, बिलियन को देख के नहीं समझ में आता किसकी बात हो रही है, मतलब ये यूनिट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यूनिट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है तो सिंगुलर फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पे बिलियंस हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, बिलियन आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, दुविधा, परेशानी, एनी वन टिल हियर, नहीं है, एक रिक्वेस्ट करूँगी, 2000 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 800 हैं, इतना घोर अन्याय क्यों, इफ़ 2000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग तो 2000 लाइक्स तो होने चाहिए, अभी के अभी सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तुरंत की तुरंत, और जैसे जैसे आप लाइक करते जाएंगे बताते भी जाएंगे एवरीवन। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ये, 6 decades है बेटा, 60 सालों में, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ये, सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं होगा, बिल्कुल सही है, पास्ट 60 सालों में, दिस इज व्हाट, पूरे के पूरे 60 सालों में, पीरियड ऑफ टाइम है, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए यहां पे परफेक्ट टेंस आया है। चलो अगला क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर सभी के लिए, चलो द टाइम इज अप, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, व्हाई लास्ट ईयर, पिछले साल सेकेंड वेव से पहले, बिफोर द सेकेंड वेव, वैक्सीन हेजिटेंसी, लोग वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे थे, हेजिटेंट हो रहे थे वैक्सीन लगवाने में, मतलब वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे थे, इसको हम किस चीज़ से लिंक कर रहे थे, इसको लिंक कर रहे थे टू द लो अपटेक, मतलब वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे थे इसलिए वैक्सीन कम लग रही थी, इट इज़ क्वाइट ऑल, क्वाइट और ऑल कभी भी साथ में नहीं आ सकते, हमेशा याद रखना, क्वाइट एंड ऑल कैन नेवर कम टुगेदर। अभी इसी के ऊपर शॉर्ट वीडियो भी डाली थी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में, देखी थी आप लोगों ने, तो क्वाइट ऑल कभी भी साथ में नहीं आ सकता, या तो क्वाइट आएगा या फिर ऑल आएगा, तो क्वाइट लाइकली अच्छे खासे चांसेस हैं। अब क्वाइट में भी दो शब्द होते हैं, दोनों का मीनिंग समझ लो,
एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट. ये जो क्वाइट होता है ये एक एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अच्छा खासा. ये जो क्वाइट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है शांत वाला. आपकी टीचर ने आपको बहुत बार बोला होगा कीप क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप क्वाइट. तो उन्होंने क्वाइट बोला था, मीन्स शांत रहो, ये वाला क्वाइट था. ही इज़ क्वाइट रिच, वो अच्छा खासा अमीर है. वो कौन सा क्वाइट है? वो ये वाला क्वाइट है, क्यू यू आई टी ई. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट. इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि लोग जो हैं अपने ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं कि और ज़्यादा वैक्सीन आ जाने दो, अलग अलग तरह के फिर डिसाइड करेंगे कौन सी वैक्सीन लगवानी है. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट. मैम बालों को कोम भी नहीं किया आपने आज. बेटा टाइम ही नहीं मिलता बालों को कोम करने का, इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो चुका है सुबह से शाम तक का कि आई डोंट गेट टाइम टू कोम माई हेयर एंड रियली अपोलॉजीज फॉर दैट. बट मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती बिकॉज माई प्रायोरिटी इज टीचिंग राइट नाउ. चलो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेट सिलेक्टेड दिस टाइम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा टाइमर. चलिए, द टाइम इज अप. इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. लेट्स रीड इट. द सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जो हर इंसान का जो फ्रीडम है उसको जो दबाया गया है फॉर द ग्रेटर गुड, बाकी लोगों के भले के लिए, इस परहैप्स शायद ये बहुत पुराना और बहुत ही टफ सवाल है जो डेमोक्रेसीज जिससे लड़ती हैं. डेमोक्रेसीज जिससे लड़ती हैं, जिससे, तो डेमोक्रेसीज ग्रैपल विद, यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं था, तो दैट डेमोक्रेसीज ग्रैपल विद, हमेशा हमें जब भी ग्रैपल वर्ड आए, ग्रैपल मीन्स फाइट, तो हमेशा वहाँ पे विद वर्ड, विद प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट. जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने तो अमंग को बिटवीन कर दिया, सारे के सारे पापी आए हैं आज क्लास में, ऐसा लगता है सारे के सारे पापी आए हैं क्लास में. क्यों? आपको कैसे पता कि दो ही सवालों की बात हो रही है कि आपने बिटवीन कर दिया? बिटवीन तो दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दो से ज़्यादा के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, जब सबके नाम अलग अलग दे रखे हों. ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि दो लोगों की बात हो रही है, दो सवालों की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सबके नाम अलग अलग दे रखे हैं. तो क्या सोच के बिटवीन आंसर दिया, मुझे बता दो ज़रा. सो आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ग्रेटर गुड का मीनिंग होता है सबका भला, सबके भले के लिए, मींस फॉर ग्रेटर गुड. मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इस चैनल पे 1:30 बजे मंडे टू फ्राइडे रोज क्लास होगी फॉर ग्रेटर गुड. समझ आया ग्रेटर गुड का मीनिंग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. इस सवाल को देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉइंटेड आउट, इस बात को भी पॉइंट किया गया, मार्क किया गया
कि अगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को वर्चुअल गवर्नमेंट मानना है, अगर आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट मानना चाहते हो, तो उन्हें अडियर मीन्स स्टिक करना, फॉलो करना. यू स्टिक टू समथिंग, यू फॉलो समथिंग. तो हमेशा याद रखना, अडियर के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या होता है? टी ओ टू होता है. तो अगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को वर्चुअल गवर्नमेंट्स बनना है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा. उनको किस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा? बेसिक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इन फॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज. उन्हें अपनी पॉलिसीज़ बनाने में डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, उनको पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, और उनको नॉन पार्टिसन मीन्स नॉन पार्शियल अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी. अडियर के सामने क्या आता है? अडियर के आगे हमेशा टी ओ टू आता है. इस बात को स्टार मार्क करके अपनी कॉपीज में लिखिएगा. सो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया. वी विल यूज टू आफ्टर अडियर. यस, चलो अगला क्वेश्चन. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो लाइक बटन भी प्रेस करते जाएंगे सभी लोग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. टाइम इज अप. ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का है इंग्लिश में. और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फिनिटिव्स. लेट के आगे ऑब्जेक्ट जब भी आता है, उसके आगे आप कभी भी टी ओ टू का इस्तेमाल नहीं करते. आप डायरेक्टली क्या लगाते हो? आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो. लेट प्लस ऑब्जेक्ट कभी भी टी ओ प्रपोजिशन नहीं आएगा. डायरेक्टली क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. लेट मी डू इट. अगर टी ओ टू लिखा हुआ है तो ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. लेट मी डू इट, लेट मी कोम माई हेयर, लेट मी टीच, लेट मी स्टडी, लेट मी गो देयर, लेट मी प्रपोज यू, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी रेज दिस क्वेश्चन. तो हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. साई ज्योति प्रकाश कह रहे हैं लेट मी लव यू. यस, तो टी ओ टू नहीं आएगा. देखते हैं. ही हैज़ टू टॉक टू हिज सुपरिटेंडेंट. उन्हें अपने सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बात करनी पड़ी. एंड ही विल कॉल बैक. वो वापस कॉल करेंगे बाद में इस इवनिंग टू लेट मी नो, मुझे ये बताने के लिए कि वो कब यहाँ पर आएंगे. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट. लेट मी टू नो नहीं आएगा, लेट मी नो आएगा. चलो ये तो अच्छा है. एरर डिटेक्शन के बहाने, इंग्लिश के बहाने, या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके बहाने आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है. अब आप किसी को जाके ऐसे नहीं बोलोगे लेट मी टू लव यू या लेट मी टू प्रपोज यू, है ना. अब आप सही इंग्लिश ही बोलोगे, इजंट इट. आपको कोई आई लव यू बोलेगा तो उसका आंसर आप आई लव यू टू कभी नहीं दोगे, आप आई टू लव यू दोगे. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में?
ई रिक्शास जो सड़कों पे चल रहे हैं, जिनके पास वैलिड या फिर रिन्यूड नया फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं है, इससे क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा। ट्रैफिक कंजेशन मीन्स भीड़ भाड़ लग जाएगी, प्लाइंग का मतलब है मतलब रोड्स पर हैं, कंजेशन मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। एज दे आर नोन, क्योंकि इससे क्यों जाना जाता है कि वो बहुत जल्दी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का तो मीनिंग फैलना होता है बेटा, हमारे मोहल्ले में लड़ाई, ब्रेकअप क्यों लिख दिया मैंने, लड़ाई शुरू हुई थी दो आंटियों के बीच में और फिर वो लड़ाई ब्रेकआउट कर गई। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, पूरी कॉलोनी उसमें इन्वॉल्व हो गई। ब्रेकआउट इज व्हाट, फैल गई, आग की तरह फैल गई, स्प्रेड कर गई, बीमारी फैल गई, ब्रेकआउट कर गई। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है कि खराबी आ जाना, मैकेनिकल फॉल्ट आ जाना, किसी चीज़ में क्या हुआ है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया है, कोई खराबी आ गई है। तो ई रिक्शे की बात हो रही है, तो ई रिक्शे में क्या होगा, ई रिक्शा में खराबी आएगी, तो यहाँ पे ब्रेक आउट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक डाउन आएगा। सो विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट, डी पार्ट इज़ इनकरेक्ट। मैम के दिमाग में ब्रेकअप चल रहा है। हाँ, अभी अभी मैंने एक बच्चे का मेल पढ़ा था कुछ टाइम पहले, उस बच्चे ने अपनी पूरी ब्रेकअप स्टोरी बताई हुई थी। वो बच्चा 10 साल से रिलेशनशिप में था और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसका CPO में किसी में सिलेक्शन हो गया था, एंड इट वॉज अ स्टोरी, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चल रहा है। और अब ब्रेकअप भी हो गया है, हाँ, एंड ही वॉज लाइक कि मैम मुझे हर हालत में बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। सो किस पार्ट में एरर हो गया, डी पार्ट में एरर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन सभी का होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आई होप सबको पता, जो जो बच्चे कमेंट करते हैं उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके वो कैप प्रोडिजी की बुक या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक, नहीं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की तो अभी नहीं मिल पाएगी, बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल तक आ भी जाए, बट अभी तो वो कैप प्रोडिजी आपको मिल जाएगी। जो बच्चे सही आंसर कमेंट करेंगे उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके, सबसे पहले तो मैं पिछली क्लास के विनर्स का नाम बता देती हूँ। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने आंसर सही दिया था उनका नाम है निकिता कुमारी एंड हेमंत। तो निकिता कुमारी और हेमंत मुझे एक मेल करेंगे, एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि वो कमेंट उन्हीं ने किया था, तो टीम उनको कॉन्टैक्ट करके उनकी बुक पहुँचा देगी। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप सभी को पता है स्पोकन इंग्लिश का महासंग्राम 3.0 लॉन्च हो चुका है, 10th ऑफ सेप्टेम्बर से इसकी क्लासेज हैं। आज 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसको लेते हो तो। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 21 इसमें आपको लाइव जूम सेशंस मिलेंगे, 21 मेरे लाइव सेशंस मिलेंगे, इसके अलावा आपको अराउंड 60+ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको 3 months की वैलिडिटी मिलेगी, स्पोकन रिटन सब चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं। जूम सेशंस होंगे जहाँ पे आप फेस टू फेस बात कर पाओगे, मेरी लाइव क्लासेस भी होंगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में मिलने वाली हैं। तो जितना भी अभी तक जो मुझसे कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कहाँ पे क्या आता है, कंप्लीट ग्रामर सीखना चाहते हैं, कंप्लीट मुझसे बोलना कैसे, बोलते कैसे हैं, दिमाग में इंग्लिश कैसे सोचते हैं, ये सब सीखना चाहते हैं, वो स्पोकन इंग्लिश का महासंग्राम 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं आज के आज। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, इसके बाद भी डिस्काउंट मिलेगा 10 तारीख से पहले पहले तक, बट 10% मिलेगा। और अगर आज रात के 12 बजे से पहले पहले ले लेते हैं तो 20% का मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये कोर्स आपको निमिषा बंसल एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे परफेक्शन बैच में आना चाहते हैं, परफेक्शन 4.0, वो आज के आज अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और परफेक्शन की क्लासेस में आना स्टार्ट कर देंगे। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, सबसे सस्ता आपको 24 महीने का पड़ता है, आइकॉनिक लोगे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लो 8:30 बजे परफेक्शन 4.0 में आना स्टार्ट कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसमें आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। फीस बेटा 2000 है, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1600 रुपये का पड़ेगा।
1600 रुपये का 3 महीने, वो भी जूम सेशंस, लाइफ टू लाइफ, फेस टू फेस सेशंस, हफ्ते में 2, सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब। थैंक यू एवरी वन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।